हम इस वक्त मौजूद है दौसा जिले में स्थित आस्था धाम मैनपुर बालाजी में। आपको सबसे पहले एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीर है, यहाँ पर भारी संख्या में प्रसादी के रूप में लड्डू बनाए जा रहे हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा है, उसको लेकर देश ही नहीं विदेश भी भारी उत्साह देखा जा रहा है। तो वहीं मेहंदीपुर बालाजी में भी भव्य तैयारी की जा रही है। अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ ये लड्डू रूपी प्रसादी का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे बूंदी लाई जा रही है, यहाँ ठंडी करके फिर यहाँ पर ये लड्डू बनाए जा रहे हैं। लड्डू बनाए जाने के बाद में ये यहीं पर पैकिंग की जा रही है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ एक डिब्बे में लगभग 2 लड्डू रखे जा रहे हैं, देख सकते हैं। और व्यवस्था आप देख सकते हैं कि यहाँ मास्क और सिर पर भी व्यवस्था बनाई गई है कि किसी तरीके की मास्क लगाया गया है, पूरा ध्यान रखा गया है। हमारे साथ में मंदिर ट्रस्ट की तरफ से पदाधिकारी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, 22 तारीख की जिस तरीके से तैयारी चल रही है, आपके यहाँ लड्डू बनाए जा रहे हैं प्रसादी के रूप में, इनके बारे में बताइए क्या खासियत है, कितने बनाए जा रहे हैं और कितने कारीगर काम कर रहे हैं? सर, यहाँ करीब 250 आदमी के समथिंग काम कर रहे हैं, और जो काम होता है मंदिर ट्रस्ट की तरफ से देसी घी में ही होता है। हमारे यहाँ किसी प्रकार का और घी काम में नहीं लिया जाता। 3 दिन से ये कार्य चल रहा है, आज हमको 4th दिन है। आज हमको ये रात को लोड करके मंदिर प्रशासन की तरफ से वहाँ भेजे जाएंगे। अगर मैं ये पूछूं कि लगभग कितने लड्डुओं का टारगेट रखा गया है, कितने कारीगर लगभग काम कर रहे हैं? देखो, 2.5 लाख का तो हमारा मंदिर ट्रस्ट का टारगेट है, उससे ऊपर जितने बन जाएंगे वो सब, मतलब ये नहीं है कि भाई 2.5 लाख ही भेजने हैं, 2.5 लाख से ऊपर जितने भी हो जाएंगे। और चीज बात है, जैसे बनावटी होती है, जैसे आपने मास्क लगवा रखे हैं, साफ सफाई का बड़ा ध्यान रखा गया है? बिल्कुल बिल्कुल, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। पर डे शाम को कन से जैसे ये जैसे हटेंगे, यहाँ धुलाई सफाई पूरी कन से रात को की जाएगी, सुबह इनको एकदम सफाई होकर के कंप्लीट मिलेगा और ये अपने सफाई से ही बैठेंगे। एक चीज बताइए, लड्डू की साइज क्या है और खासियत क्या है इन लड्डुओं की? सर, इनमें 180 ग्राम से 200 ग्राम तक की लड्डू के कने से वेट है हमारे यहाँ का। और बालाजी महाराज के जो भोग लगता है वो हमारे प्रतिरोज इसी साइज के लड्डू बनते हैं, इसी वेट में बनते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रसादी रखी जा रही है और बनाई जा रही है। अब इनको कल यहाँ से सुबह जल्दी अयोध्या के लिए रवाना कर दिया जाएगा और वहाँ वितरित किया जाएगा। आप देख सकते हैं, और मेहंदीपुर बालाजी की बात करें, मंदिर की बात करें, तो यहाँ भी बहुत तैयारी की जा रही है। 22 तारीख को उसको सजाया जाएगा और भारी संख्या में यहाँ से लोग भी अयोध्या के लिए रवाना होंगे। संदीप मीणा, मेहंदीपुर बालाजी, दौसा, राजस्थान तक।